हाई एवरी वन वेलकम बैक टू Literature. लिटरेचर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिलावर नॉवल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट है तो आई होप आपने वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे अभी तक सारी प्लेलिस्ट अपडेट की जा चुकी है अब आप लास्ट रिविजन के टाइम पर इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं ऑलरेइड सो इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल तो पहले वो भी कर लीजिए एंड ऑलसो शेयर दिस वीडियो विद यर फ्रेंड्स नाव विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ यर टाइम लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थीम ऑफ री मेमरी इन बेव री मेमरी का मतलब होता है जब आपको अपने पास की याद आती है उससे रिलेटेड फिर आपको ये सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं दैट इज री मेमरी सो हेर इज अ कोट अबाउट इट री मेमरी देन इज द इंटर रिलेशन ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट टू वंस रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी मतलब कि हर एक इंसान अपने जो पास्ट की ट्रामाज है उनको याद कर रहा है एंड दैट इज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस क्योंकि सभी लोगों ने वो स्लेवरी का जो एक ट्रॉमा है जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो फेस किए हैं इसलिए वो सारे लोग रिकलेक्ट कर रहे हैं एक कलेक्टिव यू नो री के तौर पे तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं हॉन्टेड प्रेजेंस ऑफ पास्ट कि उनका पास्ट कैसे बार बार उनकी लाइफ में उठ के आ रहा है दे आर लिविंग विद द गोस्ट जो कि बिलवड नाम से है फिर आता है कम्युनिटी की मेमोरी की सारे लोगों ने वो सारी चीजें फेस की है इसलिए वो एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं फिर आता है फ्रेगमेंटेड स्टोरी टेलिंग जो पूरा नॉवल है ना उसका स्ट्रक्चर पूरा फ्रेगमेंटेड है एक फ्लो में नहीं चलती वो नॉवल जो नॉन लिनियर स्ट्रक्चर है वो ये दिखाता है कि कितना पेनफुल है वो ट्रॉमा को याद करना और उन मेमरीज का बार बार वापस आना सेथी का ऑब्सेशन जो कि उसके सारी मेमरीज के साथ है वो उनसे स्केप नहीं कर पा रही है फिर आता है लास्ट में कम्युनिटी सपोर्ट की कैसे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनके ट्रोमा से रिकवर करने के लिए ऑलरेड सो right, so ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इस थीम ऑफ री मेमोरी में और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिखने का भी फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है क्रिटिकली द एक्ट्रेल ऑफ स्लेवरी इन बिलवड हाउ डज मॉरिसन शो सेथी एंड पोल डी इज सेल्फ डिफाइनिंग एजेंट मतलब कि किस तरीके से जो बिलवड नॉवल है उसके अंदर स्लेवरी को पोर्ट्रे किया गया है दिखाया गया है और कैसे जो हमारी ऑथर है मॉरिसन उन्होंने सेथी को और पॉल डी को एक डिफाइनिंग एजेंट के तरीके से दिखाया कि ये जो लोग है ना वो स्लेवरी को पूरा डिफाइन कर रहे हैं तो स्लेवरी का पोर्ट्रेल कैसे कैसे है एक तो फिजिकल वायलेंस के तौर पे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा मतलब कि मेंटल ट्रॉमा जो था फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली की वो एक दूसरे से एक बार बिछड़ गए थे अपने हस्बैंड से बिछड़ गई थी सेथी आइडेंटिटी रेजिस्टेंस सर्वाइवल ये सारे थीम आ जाते हैं पोर्ट्रेल ऑफ स्लेवरी में फिर सेथी को कैसे दिखाया गया है सेल्फ डिफाइनिंग एजेंट वो है अपने स्ट्रगल फॉर ऑटोनोमी के लिए कि वो कितना ज्यादा ट्राई करती है कि वो सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़े पर वो बार बार उन्हीं चीजों में फंसती चली जाती है फिर है रिबिल्डिंग आइडेंटिटी कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को नहीं छोड़ पा रही है वो अपनी आइडेंटिटी को दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करती है पर हमेशा हॉन्ट करती है उसका पास्ट उसको देन इज पॉल डी का एज अ सेल्फ डिफाइनिंग एजेंट तो वो है स्ट्रगल करता है मस्किलैनिटी के लिए सेल्फ वर्थ के लिए और फिर कंफनट्रेशन एंड ग्रोथ मतलब कि दोनों एक ही जाल में फंसे हुए हैं और फिर बाद में किस तरीके से ये लोग सारी चीजों को एस्केप करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दिस इज नॉट अ स्टोरी टू पास ऑन दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिमेंबरिंग एंड फोगेटिंग विद रेफरेंस टू कंक्लूजन ऑफ बिलविन कि किस तरीके से इंडिविजुअल और कम्युनिटी को दिखाया गया है रिमेंबरिंग और फोगेटिंग को दिखाया गया है पूरी नॉवल के अंदर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अगर ये क्वेश्चन ऐसे कैसे भी नहीं आते हैं तो फिर भी आप इनका कंटेंट यूज करके दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं तो इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल रट लेना क्योंकि आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि थीम ही ये है मेन ठीक है इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के पेपर प्रिडिक्ट कर रही हूं मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं तो क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं दर इज नथिंग लाइक दैट कि हाँ कैसे आएगा क्या आएगा ऑलराइट सो कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन की जो स्टोरी है वो यू uh, नो you know, पास्ट ट्रामाज के बारे में है तो किस तरीके से इंडिविजुअल और कम्युनिटी को दिखाया गया है तो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड ट्रामा और हीलिंग की बात की गई है आइडेंटिटी और रीमेमरी की बात की गई है सेथिक स्ट्रगल की बात की गई है किस तरीके से पॉल डी इंटीग्रेट करता है नेसेसिटी ऑफ रीमेमरी की बात की गई है कि क्यों उनका जो पास्ट ट्रोमा है बार बार आ रहा है और वो क्यों आने दे रहे हैं उस चीज़ को वो क्यों नहीं रिकवर कर पा रहे हैं उससे फिर है फोगेटिंग एज अ डबल एज वर्ड कि वो भूल भी नहीं सकते हैं अपनी सारी चीज़ों को फिर यहाँ पे बताया गया है कि डेंजर ऑफ फोगेटिंग क्या है कि क्यों इंसान सारी चीज़ों को नहीं भूल सकता फोगेटिंग का यहाँ पे डेंजर ये है कि अगर वो सारी चीज़ों को भूल गए तो जो उन्होंने लेसन सीखे हैं यहाँ पे जो उनकी मेमोरीज हैं जो स्ट्रगल है जो ट्रॉमा है, है पूरे एक जो उनका हिस्ट्री रहा है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही अब उस ट्रामा से रिलेटेड है तो अपनी आइडेंटिटी को भी भूल जाएंगे और उनकी सारी सफरिंग मीनिंगलेस हो जाएगी फिर आता है सेलेक्टिव मेमोरी कि ये जो स्टोरी है ना वो एक तरीके से एक क्वेश्चन है कि आप अगे जो आपका पास्ट है ना तो उसको भूल सकते हैं ना उसको ऐसा लेट इट गो कर सकते हैं तो हाउ यू हैव टू रिकवर फ्रॉम दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस स्टोरी देन द फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सामील स्लेव एन बिलविड ठीक है इस तरीके से जो फीमेल स्लेव्स हैं उनको दिखाया गया है नॉवेल के अंदर फीमेल यहाँ पे चार तीन है मेनली सेथी बेबी सेला और, और एक बिलवड भी है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं तो सेथी है जो वो दिखाती है कि किस तरीके से माँ सेक्रीफाइस करती है कैसे अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए क्या कुछ करती है एक माँ बेबी शख्स है जो एक माँ की ममता को दिखाती है और एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाती है कम्युनिटी के अंदर कि जब वो बाहर आ गए थे स्लेवरी से तो किस तरीके से वो हीलर और एक प्रीचर बनी इमोशनल सपोर्ट दिया उसने जो बाकी फॉर्मर उसके स्लेव है उनको फिर है एला एला सर्वाइवर है सेक्सुअल अब्यूज की तो वो भी एक विमेन के ट्रॉमास को दिखाती है किस तरीके से जो फीमेल स्लेव्स हैं उन्होंने कितना जेंडर स्पेसिफिक ट्रॉमा को भी झेला है फिर हमारी लास्ट करेक्टर है बिलाविड बिलाविड तो एम्बॅमेंट ही है पूरे ट्रामा की और मेमोरी की वो बार बार आती है सैथी के घर में रहने लग जाती है तो किस तरीके से वो पूरे लाइक बिलाविड का जो करेक्टर है ना वो ट्रोमा को शो करता है कि उसका ट्रोमा बार बार आ रहा है उसके पास ऑलरेड सो दिज आर ऑल द फीमेल कैरेक्टर्स इन द स्टोरी इनको भी आप देख लीजिएगा फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है करेक्टर ऑफ बिलविड तो करेक्टर ऑफ बिलविड को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन पॉइंट्स के साथ सबसे पहला तो है पर्सोनिफिकेशन ऑफ पास्ट कि वो पास्ट को दिखाती है कि क्या ट्रॉमास थे मेमोरी और रीमेमोरी फिर आता है स्लेवरी का लेग, लेगेसी कि किस तरीके से वो उनके आइडेंटिटी को शो करती है कि ये आपकी आइडेंटिटी है अगर आप पास्ट को भूल गए तो आप अपनी आइडेंटिटी को भी लूज कर देंगे फिर उसका रिलेशनशिप सेथी के साथ किस तरीके से उसका इम्पैक्ट था डेनवर के साथ कि डेनवर के साथ उसका कितना अच्छा रिलेशन था यहाँ पे वो सिस्टर एंड कंपेनियन वाली फीलिंग दिखा देंगे आप यहाँ पे जब भी आप डेनवर के साथ रिलेशन शो करेंगे देन इज चाइल्ड लाइक एंड डिमांडिंग कि जो बिलवड है वो पूरा डिपेंडेंसी और इनोसेंस शो करती है और अटेंशन के लिए क्रेव करती है कि सेथी एक बार उसको अपना अटेंशन दे उसका केयर करे देन द लास्ट इज थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग कि किस तरीके से जो पूरा आपका एक पास रहा है उससे आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है और आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं ऑल राइट सो दिज आर ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपको सब समझ आया होगा कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो भी है वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में वो आपके एड्रेस कर दी जाएगी सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो उसका आप वेट करिए थोड़ा एंड ऑल्सो कमेंट डाउन जो भी फीडबैक्स हैं आपके कि आपको कैसा लगा ये वीडियो तो आगे वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे जो भी आपको चाहिए तो अपना फीडबैक देना तो बिल्कुल ना भूलें ऑल राइट सो आई मेड द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी ऑल्सो आप इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे बार बार तभी आपको सारी चीजें रिवाइज हो पाएंगी और एक बार पेपर से पहले थोड़ी सी कोटेशंस भी याद कर लेना क्योंकि काफी बड़ा आपको लिखना होता है आंसर तो उसमें फिर फालतू की चीज़ें भी लिखनी पड़ती हैं कुछ तो वो पहले से रट के जाना ताकि सोचना ना पड़े